MIUI 11 के कुछ बेहतरीन थीम्स के बारे में जो व्हाट्सएप के UI को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ठीक है गाइज, जो व्हाट्सएप का लुक एंड फील है बिल्कुल चेंज कर देते हैं और आपका व्हाट्सएप देखने में काफी ही ज्यादा कूल लगने लगता है गाइज। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको ऐसे बेस्ट 5 थीम्स। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करो और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करो, ठीक है गाइज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो गाइज चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और लेट्स बिगिन। गाइज पहला जो थीम है उसका नाम है पर्पल OS V11 और गाइज इस थीम को अप्लाई करके देखते हैं कि ये थीम कैसा है। तो गाइज थीम अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं। और पहला चीज अगर आपने नोटिस करी होगी तो जो गाइज नेविगेशन बटन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है गाइज, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और चलिए अब होम स्क्रीन में चलकर देखते हैं कि होम स्क्रीन देखने में कैसा लगता है। सो गाइज होम स्क्रीन देखने में आपको कुछ इस प्रकार का लगता है और आइकन्स जो है एकदम नॉर्मल से हैं, कुछ खास नहीं लगे मेरे को, ठीक है। और गाइज अगर मैं नोटिफिकेशन शेड की बात करूं तो गाइज देख सकते हैं बिल्कुल पर्पल कलर का इस पे शेड दिखता है और क्विक टॉगल्स इस प्रकार का दिखता है गाइज, देख सकते हैं। अगर मैं लॉक स्क्रीन की बात करूं तो गाइज लॉक स्क्रीन भी सिंपल सा है और कोई भी चार्जिंग एनिमेशन नहीं है, बस नीचे लिखा आता है फास्ट चार्जिंग 80%, मतलब जितने परसेंट आपका चार्ज हुआ होगा। अगर आपको मैं डायलर स्क्रीन दिखाऊं तो गाइज आपको डायलर स्क्रीन में थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सा चेंज दिखता है गाइज, देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज है अगर आप नोटिस करें तो। अगर मैं सेटिंग्स में लेकर आपको चलूं तो सेटिंग में भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है। सो गाइज सबसे बड़ा अगर कोई इसमें चेंज लगा मेरे को गाइज तो इसका व्हाट्सअप मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार का देखने में लगता है। सो गाइज देख सकते हैं व्हाट्सएप बिल्कुल चेंज हो चुका है गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट में ये हो चुका है बिल्कुल। और गाइज अगर मैं एक चीज और दिखाऊं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो टिक आता है 1 2 3 देख सकते हैं गाइज टिक कुछ इस प्रकार का है, ठीक है गाइज। तो ये थीम काफी ज्यादा खूबसूरत है और व्हाट्सएप के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट थीम है गाइज, देखिए व्हाट्सएप देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आपका दोस्त देखे तो कहेगा कि आपका व्हाट्सएप ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले थीम के बारे में बताते हैं और उसका नाम है स्टाइल वर्जन 11, देख सकते हैं गाइज। और ये 4.1 MB के साइज का ये फाइल है और इस थीम को भी अप्लाई करके हम देखते हैं कि ये थीम कैसा है। तो गाइज थीम अप्लाई हो चुका है और सबसे पहला जो चेंज है गाइज वो देख सकते हैं नेविगेशन बटन बिल्कुल चेंज हो चुका है गाइज, और जो होम स्क्रीन है वो स्टॉक जैसे देखने में लग रहा है, काफी ही ज्यादा लाइट वेट ये थीम है और आपका फोन काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। अगर मैं नोटिफिकेशन दिखाऊं तो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार का स्टॉक जैसा देखने में लगता है गाइज। और अगर डायलर पैड की बात किया जाए तो गाइज डायलर पैड नॉर्मल सा है, ठीक है। और लॉक स्क्रीन इस प्रकार का दिखता है, नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन भी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको शैडो। और गाइज अगर इसमें अगर व्हाट्सएप किस प्रकार का दिखता है अगर मैं बताऊं तो गाइज देख सकते हैं गाइज व्हाट्सएप इसमें आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है और काफी ही ज्यादा कूल लग रहा है गाइज, देख सकते हैं आप कितना ही ज्यादा ये वाला थीम काफी ज्यादा व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है गाइज इस थीम में, देखिए। अगर गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई, थीम पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो का आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा लोग कमेंट आएगा तो मेरे को और खुशी होगी बनाने में, ठीक है। तो गाइज चलिए अगले थीम के बारे में बताता हूँ। सो गाइज अगला जो थीम है उसका नाम है एंड्रॉयड पिक्सल 4_Dark, देख सकते हैं गाइज इस थीम को भी अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होती है। गाइज थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें,
तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। सो गाइज थीम अप्लाई हो चुका है ये वाला, और सबसे पहला अगर आपने कोई चेंज नोटिस करी होगी तो गाइज देख सकते हैं नेविगेशन बार बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है गाइज, बहुत ही ज्यादा कूल, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये गाइज। ठीक है, अगर होम स्क्रीन पे आपको लेके जाऊं तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलता है, और आप होम स्क्रीन में डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे तो वॉलपेपर चेंज हो जाता है गाइज। ये भी काफी कूल फीचर है। अगर मैं नोटिफिकेशन शेड आपको दिखाऊं तो एकदम डार्क में देखने मिलता है गाइज। ठीक है, अभी तक जिसमें डार्क मोड का अपडेट नहीं आया तो इस थीम को जरूर सब से यूज कर सकते हैं गाइज, देख सकते हैं। अगर सेटिंग की बात करें तो गाइज सेटिंग भी डार्क में देखने मिलता है, और डार्क लवर्स को काफी ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, अगर डायलर पैड की बात करें, तो डायलर पैड कुछ इस प्रकार का दिखता है, ब्लू कलर का जो नंबर्स है वो दिखते हैं, और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत थीम है और काफी ज्यादा लाइट थीम है। ठीक है गाइस, आपका फोन काफी ज्यादा फास्ट चलेगा इसकी वजह से। ठीक है, सो गाइस अगर मैं इसका व्हाट्सएप दिखाऊं तो व्हाट्सएप कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है आपको, देख सकते हैं गाइस व्हाट्सएप इस प्रकार का आपको देखने मिलता है, जो देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है गाइस। देखिए ये भी जैसा कि पूरा थीम डार्क है तो गाइज इसका जो व्हाट्सअप है ये भी डार्क है, देख सकते हैं गाइज देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है गाइज। सो गाइज अगला जो थीम है काफी ही ज्यादा जहर थीम है गाइज, सच में बता रहा हूँ ये थीम आपको जरूर से पसंद आएगा। ठीक है गाइज, ये थीम मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ इस थीम को। गाइज थीम अप्लाई हो चुका है, और गाइज सबसे पहला जो चेंज आपने नोटिस करी वो ऑब्वियसली नेविगेशन बटन है, और नेविगेशन बटन काफी ही ज्यादा कूल हो गए हैं गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए गाइज मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ, काफी ही ज्यादा कूल लगता है। ठीक है, और मैं अगर आपको होम स्क्रीन पे लेके चलूँ तो गाइज देख सकते हैं होम स्क्रीन कितना ज्यादा कूल है गाइज। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो इसका वॉलपेपर चेंज हो जाता है। एक मिनट मैं यहाँ लेके जाता हूँ, देख सकते हैं गाइज इसका वॉलपेपर चेंज हो जाता है, जो देखने में काफी ही ज्यादा कूल लगता है। ठीक है गाइज, अगर मैं आइकन्स की बात करूं गाइज तो अगर आप आइकन देख लीजिए गाइज, देख सकते हैं गाइज आइकन काफी ही ज्यादा कूल है गाइज, एकदम बेहतरीन लगता है देखने में। अगर डायलर पैड की बात करें तो गाइज डायलर पैड भी काफी ज्यादा कूल लगता है, देखिए गाइज कितना ज्यादा कूल है गाइज। अगर मैं सेटिंग्स की बात करूं तो गाइज सेटिंग भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है गाइज, देख लीजिए। ठीक है गाइज, अगर मैं लॉक स्क्रीन इसका दिखाऊं तो गाइज देख लीजिए लॉक स्क्रीन कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। ठीक है गाइज, कुछ खास चार्जिंग एनिमेशन नहीं है, बिल्कुल बस लिखा आ रहा है चार्जिंग। ठीक है, सो गाइज चलिए अब मैं इसका व्हाट्सअप UI दिखाता हूँ किस प्रकार का इसमें हो गया है। सो गाइज मैं WhatsApp ओपन कर लिया हूँ, देख लीजिए गाइज, और WhatsApp आपको कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है। ठीक है गाइज, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैमरा की वजह से। ठीक है, लेकिन जैसा आपका पूरा सेटिंग है देख सकते हैं जिस कलर का वो सेम कलर का गाइज ये WhatsApp भी है। ठीक है गाइज, जो देखने में काफी ही ज्यादा कूल लगता है। ठीक है, अगर मैं टिक की बात दिखाऊं तो गाइज टिक कुछ खास नहीं दिखता है, नॉर्मल सा पहले जैसा है, नॉर्मल व्हाट्सएप जैसा। ठीक है गाइज, सो गाइज ये थीम आपको बिल्कुल पसंद आएगी, आप इस्तेमाल करके देखिए, और नीचे भी देख सकते हैं माइक का भी वो चेंज हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, सो गाइज चलिए अगले थीम के बारे में बताते हैं, और अगर आपको ये थीम पसंद आए ना तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है गाइज, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग थीम्स मैं बताते रहता हूँ अपने वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट दिखाओ यार, तुम लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो चलिए अगले थीम के बारे में बताता हूँ, और अगला जो थीम है ना बिल्कुल ही जहर है।
मतलब नेक्स्ट लेवल का थीम है और बहुत बेहतरीन लगा वो थीम, ठीक है, इसलिए उसको मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो थीम है इसका नाम है जियान वर्जन 2। और गाइज इस थीम को भी अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार का देखने मिलता है। थीम पहले से ही अप्लाई कर लिया हूँ, सॉरी। और देख सकते हैं गाइज इसमें नेविगेशन बटन कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है, देखिए गाइज, और बहुत बेहतरीन है गाइज, ठीक है, देखने में काफ़ी ही ज़्यादा कूल लगता है। और अगर होम स्क्रीन में आपको इसमें दिखाऊं तो होम स्क्रीन इस प्रकार का दिखता है। और गाइज ये देखिए विजेट, देखिए बहुत ही जबरदस्त विजेट दिया हुआ है गाइज इसमें, बहुत ही बेहतरीन, देखिए। और जो इसमें आइकन से वो एनिमेटेड है गाइज, देख लीजिए एनिमेटेड, सारे आइकन से एनिमेटेड है, देखिए गाइज, देख रहे होंगे इस भी हो रहा है। सो गाइज ये थीम बहुत ही ज्यादा कूल लगा मेरे को, ठीक है। और अगर मैं क्विक टॉगल्स आपको दिखाऊं तो इस प्रकार का देखने मिलता है। और गाइज ये देखिए बैटरी का सिंबल, देखिए गाइज, देखिए गाइज कितना ज्यादा कूल है गाइज बैटरी का सिंबल, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं व्हाट्सएप में इसमें कैसा दिखता है गाइज, व्हाट्सएप देखिए गाइज कितना ज्यादा कूल हो गया गाइज, व्हाट्सएप इस प्रकार का आपको व्हाट्सएप दिखता है और होम स्क्रीन इस प्रकार का दिखता है, देखिए गाइज बहुत ही ज्यादा देखने में ये कूल लगेगा गाइज। और मैं वेट कर रहा हूँ कि आपका फ्रेंड जरूर पूछेगा कि आपने अपना थीम को अपने व्हाट्सएप को ऐसा कैसे कर लिया गाइज, ठीक है। अगर मैं लॉक स्क्रीन आपको इसको दिखाऊं तो गाइज लॉक स्क्रीन इस प्रकार दिखता है और यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग और वॉच दिखाता है आपको यहाँ पे, देख लीजिए जो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, देखिए गाइज उसमें आपको डेट भी दिखाता है और यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट भी दिखाता है, ठीक है। सो गाइज अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं गाइज चार्जिंग एनिमेशन दिया जो काफी ही ज्यादा कूल है गाइज, फोकस हो जा, देखिए गाइज चार्जिंग एनिमेशन इसमें दिया जो काफी ही ज्यादा कूल है, ठीक है गाइज। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और गाइज कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप थीम्स के वो लिंक्स क्यों नहीं दे रहे, गाइज थीम स्टोर में अब हम लोग लिंक शेयर नहीं कर सकते गाइज, ठीक है, बस यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं दिया गाइज, ठीक है, नहीं तो मेरे को खुद आसानी रहता, ठीक है, और मेरे कितने व्यूवर्स को थीम्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है गाइज। सो गाइज जो लोग आउटसाइड इंडिया से हैं गाइज, जो इंडिया के हैं उनको तो थीम मिल जाएगा, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया से हैं तो उनको एक अपने फ़ोन में सेटिंग करनी पड़ेगी तब जाके ये थीम मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो सेटिंग दिखा देता हूँ, इसी में अब सेपरेट वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, ठीक है गाइज, और एक दो आने वाली वीडियो में भी मैं ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रीजन खोल लेना है, सॉरी देख सकते हैं यहाँ पर रीजन खोल लेना है और यहाँ पर सर्च करके आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है, ठीक है गाइज। अगर आप कोई दूसरा कंट्री आपके फोन में सिलेक्ट है तो गाइज ये थीम शो नहीं होंगे, ठीक है गाइज। तो ये सेटिंग आप बिल्कुल चेक कर ले अपने फोन में, और अगर इंडिया से बाहर के हैं तो बिल्कुल आप इंडिया करके रखें, तभी आपको ये थीम्स देखने मिलेंगे आपके थीम स्टोर में, ठीक है। और ये जितने सारे थीम है सब थीम स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और इस वीडियो को जरूर से यार प्यार दिखाओ और लाइक करो, चलिए बाय।